नमस्कार, आप देख रहे हैं जे नाइन न्यूज में आप सबका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर बेला देवी प्रतापगढ़ से आ रहे हैं। आपको बता दें, प्रतापगढ़ बेला देवी मंदिर से सही सरोवर बनाकर धूमधाम से दुर्गा मूर्ति का विसर्जन किया गया। विसर्जन में किसी प्रकार की हानि ना पहुंचे, इसके लिए प्रशासन हाई अलर्ट पर नजर आए। दूर दराज से आए भक्तजनों को कमेटी द्वारा समस्त सुविधाओं से मंदिर प्रांगण में मेला का आयोजन धूमधाम से कराया गया। आपको बता दें, मेला को सुचारू रूप से परिचालन करने के लिए मैनेजमेंट में शासन प्रशासन पूरी दुरुस्त नजर आए। आइए देखते अविनाश दुबे की इस रिपोर्ट में। जेएनआई न्यूज में आपका स्वागत है। जेएनआई न्यूज से मैं अविनाश दुबे, नेशनल रिपोर्टर। सबसे पहले तो आपको जेएनआई न्यूज परिवार की तरफ से दशहरा की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ पे व्यवस्था भी बहुत अच्छी है यहाँ की, और यहाँ पे सही सरोवर बना हुआ है, एक कुंड जो है माता जी के विसर्जन के लिए, और नदियाँ प्रदूषित ना हो इसके लिए भी जो है बहुत विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिलाते हैं दुर्गा मूर्ति विसर्जन के पदाधिकारियों से। श्री, आपका शुभ नाम? पंकज कौशल, महामंत्री और संस्थापक। आप? ओम प्रकाश, उपाध्यक्ष जी। आप लोग जो है यहाँ पे विशेष व्यवस्था जो है बनाए हुए हैं, और नदियों को गंदा ना हो इसके लिए आपने एक कुंड भी बनवाया हुआ है, और जो है मूर्ति को जल में डालने के लिए, विसर्जन के लिए भी वहाँ आदमी लगाए हुए हैं जी। और ये सब आपका पहले से प्लान था कि अभी मतलब ये सब बना है? 7 सालों से ये हमारा संगठन चल रहा है और 5 वर्ष हो गए इसको रजिस्टर्ड हुए, और इस समय वर्तमान में हमारे पास जो है 50 से अधिक पदाधिकारी कार्यरत है यहाँ पे, और तकरीबन कुंड में इस समय वर्तमान में 9 लोगों को हम लोग रखे हुए हैं, जो कर्मचारी हैं वो लोग भी विसर्जन कराते हैं जी। ताकि जो है किसी प्रकार से अव्यवस्था ना हो जी, और जो है हाँ किसी प्रकार की अनहोनी ना हो जी। अच्छा, गोताखोरों की व्यवस्था आपने कर रखी है जी? कितने? जी, दो गोताखोर भी हैं कि जिससे नदी में या किसी में डूबने किससे कोई घटना ना होने पाए। बरसात पानी होने के लिए कोई दिक्कत ना हो उसका भी पूरा प्रबंध है। पानी होने के लिए कोई किसी को कोई दिक्कत ना हो उसका भी पूरा प्रबंध है। कोई दिक्कत नहीं होने, हम लोग ये चाहते हैं कि मूर्ति विसर्जन एक जो संस्था हम लोगों ने स्टार्ट की है, इससे हमारे पूरे प्रतापगढ़ जिले के जितने भी मूर्ति सीमित वाले हैं वो जुड़े, हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को इसके लिए।